नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम को हमीरपुर के जसकोट में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने नदौन विधानसभा क्षेत्र के गांव जोलसप्पड़ में निर्माणाधीन डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नए कैंपस का निरीक्षण किया और कॉलेज के अधिकारियों व निर्माण कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की प्रत्येक जिले को हेलीपोर्ट से जोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1.5 से 2 साल में प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़कर आम आदमी को यह सुविधा देना चाहती है। ज्योति और हेलीपैड अलग चीज होती है, तो हम हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ना चाहते हैं। हमीरपुर जिला भी उसमें एक महत्वपूर्ण जिला है। तो जब मैं आज हमीरपुर के अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आया तो मैंने पाया कि मैं जो हेलीपोर्ट जहां बनना है और हिमाचल के लोगों को जो हमने हेलीपोर्ट और हेली टैक्सी की सुविधा देनी है उसकी साइड तो देखूंगी कौन सी है। उस दृष्टिकोण से मैं आज यहां आया हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 1.5-2 वर्ष में हम हेलीपोर्ट से पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करें और जो हिमाचल के आम नागरिक है उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएं। नदौन में वेलनेस सेंटर और एक हमारी और लैंड है, दोनों लैंड का हमने देखा है और आने वाले समय में उस पर हम बजट एलोकेट करके उस पर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तीव्र गति से काम करवाने का। इस दृष्टिकोण से हमने नदौन में 1-2 साइट्स देखी है जिसमें वेलनेस सेंटर है या कोई और कम्युनिटी सेंटर को बनाना होगा, वाटर स्पोर्ट्स होगा और एक हमने एक होटल का भी है। तो जैसी वो हमने साइटें देखी, अच्छी साइटें, और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे और आगे उसमें हम बढ़ेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नदौन में वेलनेस सेंटर के लिए भी जमीन का निरीक्षण किया और शीघ्र ही बजट जारी करने की बात की। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक मंजीत डोगरा, KCC बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।